इन फलों पर लगे स्टिकर का क्या मतलब होता है और चीजों का प्राइस हमेशा 99, 199 और 999 ऐसे करके क्यों होता है। एक ऐसा स्टेचू जिसको सिर्फ चाकुओं से बनाया गया है और एक ऐसी कंपनी जो अपने कपड़ों के डिजाइन शेर के दांतों से कटवाकर बनवाती है और एक ऐसा इंसान जो अपने ऊपर 3,31,000 मधुमक्खियों को बिठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है फलों के ऊपर लगे इन स्टिकर का क्या मतलब होता है? अगर नहीं जानते हो तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर किसी फल पर लगे स्टिकर पर 5 अंकों का कोड है जिसका नंबर 9 से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी और नेचुरल फल है, और अगर वही किसी फल पर 5 अंकों का कोड है और वो नंबर 8 से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि वो फल आधा नेचुरल है और आधा दवाइयों से पकाया गया है, और अगर किसी फल पर 4 अंकों का कोड है और वो 4 नंबर से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि वो फल कीटनाशक और केमिकल के संपर्क में उगाया गया है। नंबर 2, दोस्तों जब भी हम मार्केट सामान खरीदने जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं चीजों का प्राइस 99, 199 और 999 इसी तरह से ही होता है, बट क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे कंपनी की सेलिंग बढ़ती है और इसको इंग्लिश में फूड प्रिंसिंग कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे प्राइस कस्टमर के दिमाग पर साइकोलॉजी इफेक्ट डालता है। अब आइए थोड़ा इसको और गहराई से समझते हैं। मान लो किसी एक चीज का रेट 99 रुपए है और दूसरी का 101 है तो इसमें केवल 2 रुपए का फर्क है, लेकिन इसके बाद भी आपको 99 रुपए सस्ता लगेगा और 101 रुपए महंगा लगेगा। और अगर एक सामान का रेट 199 रुपए है और दूसरे सामान का रेट 175 रुपए है तो ये दोनों रेट हमें आसपास के ही लगते हैं, और ऐसे ही प्राइस दोस्तों हमारे माइंड पर साइकोलॉजी इफेक्ट डालते हैं जिसके कारण हमें लगता है कि 199 सस्ता है और 102 महंगा है। नंबर 3, दोस्तों ये स्टेचू आप देख रहे हो इसका नाम है एंगल ऑफ डेथ। आपको बता दें कि ये उन चाकुओं से बनाया हुआ स्टेचू है जिसका उपयोग खून जैसे अपराध और पूरे यूरोप के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। नंबर 4, दोस्तों जू जींस एक ऐसी कंपनी है जो अपने जींस को शेर चीते के दांतों से फड़वा कर डिजाइन करवाती है। नंबर 5, दोस्तों मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं लेकिन उनमें से एक है गरनाई नाम की मछली। दोस्तों ये मछली पानी में तैरती भी है और हवा में उड़ती भी है और जमीन पर चलती भी है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। नंबर 6, दोस्तों जिस टाइम पर ताजमहल को बनाया गया था तब उस टाइम पर ताजमहल में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और उस समय के 3 करोड़ आज के समय में करीब 63 अरब 77 करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 7, दोस्तों अगर हम सबको एक मधुमक्खी डंक मार देती है तो हमारे शरीर के अंदर सिहरन सी पैदा हो जाती है, लेकिन वही चीन का एक ऐसा इंसान है जो 3,31,000 मधुमक्खियों को अपने ऊपर बिठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नंबर 8, दोस्तों जिस फोटो को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इस व्यक्ति का नाम है ली चिंग यू। दोस्तों आपको बता दें कि इनकी मौत 256 साल की उम्र में हुई थी। लोगों का कहना था कि इनको दवाओं का काफी ज्ञान था जिसके कारण 100 साल की उम्र में इनको सरकार से पुरस्कार मिला था और 200 साल की उम्र में ये चाइना की विश्वविद्यालय में लेक्चर दिया करते थे। दोस्तों इस व्यक्ति की उम्र अब तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, दोस्तों जब हम कोई मौत का सपना देखते हैं तो सपने में मरने से पहले हमारी नींद खुल जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को ये नहीं पता है कि मरने के बाद क्या होता है, इसलिए जब भी हम सपने में मरने जाते हैं तो उससे पहले ही हमारी अचानक नींद खुल जाती है। नंबर 10, दोस्तों इस फोटो में देखो जिसमें एक ड्रैगन चिपकली गिटार बजाते हुए दिख रही है। दोस्तों ये फोटो कोई एडिटिंग नहीं है, इस फोटो को एक फोटोग्राफर ने इंडोनेशिया में कैप्चर किया था। नंबर 11, दोस्तों अब इस फोटो को देखो, इसमें ऊपर के फोटो को देखकर आप सोच रहे होंगे कि फोटो में कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन असल में कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक कीड़ा है जिसको बफ टिप मोथ के नाम से जाना जाता है। नंबर 12, दोस्तों गूगल के मुताबिक इस फोटो को शूट करने के लिए फोटोग्राफर एलन ने करीब 7,20,000 बार प्रयास किए थे।